पीएमए लॉन्कोर्स 150 इंटेलिजेंस टेस्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज 19 अप्रैल 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Assalamu alaikum dear candidates, I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the best forces academy. Umeed hai aap sab khairiyat se honge, main bhi alhamdulillah theek hoon. Aaj ki video mein hum inshaallah intelligence test ke kuch types discuss karenge. Hamari ye har ek type ki alag alag video upload ho chuki hai, pehle aap wo dekh sakte hain. इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, और आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस अभी तक हमारी ज्वाइन नहीं की तो ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन करें। ओके, जैसा कि आपको पता है पहले दो पार्ट आपने देखे होंगे, उसमें हमने तकरीबन 7-7, 8-8 टाइप्स डिस्कस की थी, अगर नहीं देखे तो वो भी जाके देख लें। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज, सेकंड टाइप वाटर इमेज, थर्ड टाइप मिरर इमेज टाइप एमसीक्यूज, फोर्थ टाइप नंबर सीरीज कंप्लीशन, एंड फिफ्थ वन इज अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय शमीर सेट, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए शमीर ने कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के बेटे का इकलौता बेटा। आपने ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉर्ट आउट करने हैं तो आपने पीछे से स्टार्ट करने हैं, इधर से जहां पे आके रिलेशन खत्म हो। माय मदर, मेरी माँ, ओनली सन ऑफ माय मदर, मेरी माँ का सिर्फ बेटा। ओनली सन का मतलब होता है अकलौता बेटा, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा। अभी मेरी मां का इकलौता बेटा, सोचो सोचो, वो मैं ही नहीं हुआ। मेरी मां का इकलौता बेटा यानी मेरी मां का सिर्फ एक ही बेटा है, तो वो तो सिर्फ मैं हुआ, और ये जो सन हुआ मां के बेटे का बेटा वो मेरा बेटा हुआ। दैट्स मीन जो शमीर है वो फादर है उस लड़के का। समझ आया? ओके, दूसरी जो हमारी टाइप है आज वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। नंबर सीरीज के साथ साथ अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीशन होती है। तकरीबन 5 से 6 एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं, जैसे प्राइमरली, रिमरली, रिमरिल, आगे क्या आएगा। अब आप लोगों ने देखा कि पहले प्राइमरली पूरा वर्ड था, पूरा वर्ड था, आगे उन्होंने क्या किया, पी को हटा दिया, रिमरली रह गया सिर्फ। आगे क्या किया उन्होंने, इधर से वाई को हटा दिया, रिमरिल रह गया। अब आगे क्या होगा, हम इधर से आर को हटा देंगे तो इमेरिल, आई एम ए आर आई एल, ये रह जाएगा। देखो पहले उन्होंने क्या किया, वर्ड का पहला अल्फाबेट हटा दिया, देन लास्ट वाला, फिर अब जो वर्ड का पहला रह जाएगा हम उसको हटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगली एक ये टाइप होती है सीरीज की, जैसे ये है सी ई आई के ओ क्यू, आगे क्या आएगा। अब सी और ई के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, एक का, डी। ई और आई के दरमियान कितने का है,
दो का एफ जी सॉरी ई के बाद होता है एफ जी एच, तीन का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही वो डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं और आंसर यू आएगा। ये आप देख लीजिएगा कि कितने कितने का डिफरेंस है। ओके, अगली जो हमारी टाइप है वो है नंबर सीरीज। तकरीबन 6 से 7 MCQs होंगे आपके पेपर में नंबर सीरीज टाइप में से, तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बेसिकली दीज एमसीक्यूज आर कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकिंग, थोड़े टाइम लेते हैं ये एमसीक्यूज। सबसे पहले आपने कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है जो मैं वर्बली बताऊंगा। नंबर सीरीज को हल करते हुए आपने 4 रूल्स याद रखने हैं, 6 हैं बेसिकली, 6 रूल्स। पहला, हो सकता है कि दो नंबर्स आपस में एडिशन हो रही हो सकता है दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही हो सकता है कि दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लीकेशन हो रही हो सकता है कि नंबर एक दूसरे का नंबर जो है वो स्क्वायर हो या क्यूब हो सकता है कि नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लीकेशन या एडिशन हो रही हो, मल्टीप्लीकेशन या साथ सब्ट्रैक्शन हो रही हो, मल्टीप्लीके। बस यही 6 रूल्स हैं। अगर ये आपके माइंड में रहेंगे तो आपको आसानी होगी। या एडिशन हो रही है, या मल्टीप्लीकेशन हो रही है, या सब्ट्रैक्शन हो रही है, या मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन हो रही है, या मल्टीप्लीकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन हो रही है, या तो ये पूरा पूरा स्क्वेयर है या ये पूरा पूरा क्यूब है। 3, 6, 8, 16, 18 अब बढ़ रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसमें या एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है। 3 से 6, 3 को 2 से ज़रब दो 6, 8 को 2 से ज़रब दो 16, 18 को 2 से ज़रब दो 36। ये तो आसान सा था। नेक्स्ट, 53 53 40 40, 27 27, आगे क्या आएगा? अब 43 क्या है, सॉरी 53 53 53 में से आप कितने माइनस करो तो 40 आता है, 13। 40 आया, 40 में से आप 13 माइनस करोगे तो आएगा 27, 27 में से आप 13 माइनस करोगे तो आएगा 14। और क्योंकि डबल सीरीज है तो हम डबल नंबर लिख देंगे। समझ आ गई? ओके, अगली टाइप है नंबर सीरीज की ही। फिर इसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। 4, 9, 19, 39। आप देखो ये कैसे हुआ। 4 को अगर आप 2 से ज़रब दो, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन हो रही है। इधर देखना, 4 को 2 से ज़रब दी 8, 8 जमा 1 9, 9 को 2 से ज़रब दी 18, 18 जमा 1 19, 19 को 2 से ज़रब दी 38, 38 जमा 1 39। अब हम 39 को 2 से ज़रब देंगे और प्लस 1 कर देंगे, आंसर हमारे पास आएगा 79। नेक्स्ट सीरीज, 1.5, 2.3, 3.1, 3.9। अभी देखो, फर्ज करो आपने ये इशारिया नहीं है, 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, तो आप देखोगे 15 में अगर आपने 8 जमा किए तो आता है 23, 23, 23 में 8 जमा किए तो 31, 31 में 8 जमा किए तो 39, 39 में 8 जमा करेंगे तो 47। अब इशारिया लगा दो, 47 के दरमियान इशारिया लगा दो, 4.7 आपका आंसर। सिंपल, मुश्किल है कोई बात? होप सो कि नहीं होगी आप लोगों के लिए मुश्किल। अगली जो हमारी टाइप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड मिरर इमेज। क्या होता है, आपको ऐसे एक नंबर दे दिया जाता है और मिरर इमेज करने के लिए बोला जाता है या वाटर इमेज करने के लिए बोला जाता है। दो रूल्स हैं। मिरर इमेज जब आप करते हैं, आपने देखा होगा आप दायां कान पकड़ो तो आपको नजर आता है जैसे आपने बायां वाला कान पकड़ा हुआ, यानी मिरर आपको चेंज कर देता है साइड वाइज, लेफ्ट टू राइट चेंज कर देता है। और अगर आप वही किसी नदी के किनारे खड़े हों, किसी पानी के किनारे खड़े हों, तो आप देखें कि आपका जो सर है वो आपको परे नजर आएगा और आपके पैर आपके पैरों के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, यानी आपको वो चेंज कर देगा ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। मिरर आपको साइड वाइज चेंज करता है और जो वाटर है वो आपको लेंथ वाइज, अप टू डाउन। ओके, अभी ये एक्स वाई जो है ना, ये एक लगा हुआ है वाटर इमेज आपने बतानी है। मिरर जब भी होगा वो इधर होगा, वाटर इधर होगा,
तो क्या कर देंगे, सात को उल्टा देंगे, ये जैसे ये पहला वाला आंसर है, ठीक है। सात को उल्टा दिया, आठ को उल्टा दिया, चार को उल्टा दिया, दो को उल्टा, पांच को उल्टा दिया, एक को उल्टा दिया, दो को उल्टा दिया, ये बन गया पहला आंसर है इसका, उल्टा दिया ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, क्योंकि वाटर है, ये भी वाटर है, इसको जब आप करेंगे ये भी आपने उल्टा दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, अप टू डाउन। अच्छा, अगर आपको वाटर ना दिया जाता बल्कि मिरर दिया जाता, आपसे बोला जाता कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को मिरर करो, तो मिरर आप कैसे करते, फिर ये सात इस साइड पे आ जाएगा और उलट जाएगा, इसका आंसर बनता है दो। मिरर, मिरर के लिहाज से इसका आंसर दो है, वाटर के लिहाज से इसका आंसर वन है, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी और ये नीचे को आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं है इसका आंसर बनता, फोर इसका आंसर बनता है, वाट मिरर के लिहाज से आंसर है फोर, वाटर के लिहाज से आंसर है वन। वाटर जो है वो ऊपर से नीचे अप टू डाउन चेंज कर देता है, मिरर जो है वो साइड वाइज चेंज कर देता है, बस सिंपल, ये आपने रूल याद रखना है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्बल हमारा खत्म हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। डियर कैंडिडेट्स, ये थी आज की वीडियो पार्ट नंबर 3 फॉर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो हरी अप जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन कर लो, हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, 100% गारंटी है आपका टेस्ट पास होने की, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।